नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे ALP टेक्नीशियन 2018 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर दो आपके लिए ऑफिशियल नोटिस लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपका उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR से है, जिसमें आपका आगरा डिवीज़न की तरफ से दो नोटिस आए हुए हैं, जिसमें दो नोटिस में क्या क्या मेंशन कर रखा है दोनों आपके सामने ओपन करूँगा और दिखाऊँगा। दोस्तों इसमें एक नोटिस ऐसी है जिसमें आपका बताया गया है कि आपकी ज्वाइनिंग ALP और टेक्नीशियन कब से स्टार्ट होगी, और इसके अलावा टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं दूसरे नोटिस में, कि आप किस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ भी जानने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कौन से नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर मैंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है ये। चलिए अब मैं इसको पूरे नोटिस को ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि नोटिस में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अदर जोन से भी JEE के लिए और ALP एंड टेक्नीशियन के लिए कॉल लेटर या फिर जॉइन लेटर आना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत जल्दी नया अपडेट लेके आऊँगा एक, जहाँ पर आपके ईस्टर्न रेलवे की जॉइन लेटर के बारे में अपडेट होगा। चलिए पहले इस अपडेट को हम देख लेते हैं। आपके लिए ओपन करता हूँ ये ऑफिशियल नोटिस, जो पहला वाला है उसको पहले आपके सामने ओपन करता हूँ, इसको आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये आपका देखिए उत्तर मध्य रेलवे नोटिस आपका है, नोटिस संख्या यहाँ पर लिखा गया है, दिनांक 27/5/2020 का, और कार्यालय है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे आगरा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आगरा डिवीज़न का आपका नोटिस है। विषय क्या है? RRB प्रयागराज द्वारा चयनित सहायक लोको पायलट कैटेगरी संख्या 1 एवं CEN संख्या 01/2018 की नियुक्ति के संबंध में। दोस्तों काफ़ी दिन से छात्र बहुत परेशान थे, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे या फिर मैसेज कर रहे थे वहाँ के DRM, DPO या फिर अदर एम्प्लॉइज़ को, ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आखिर क्या प्रोसेस चल रहा है इनके ALP और टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन सबको इन्फॉर्म करने के लिए देखिए ये नोटिस जारी किया गया है, ताकि बच्चे परेशान ना हो, धैर्य रखें, बहुत जल्द उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, उक्त विषयार्गत आगरा मंडल हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्युत प्रशिक्षण केंद्र कानपुर द्वारा, जो आपका विद्युत प्रशिक्षण केंद्र है कानपुर में, उसके लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जब वहाँ से उनको शेड्यूल मिलेगा आपके ज्वाइनिंग के लिए, आपके ट्रेनिंग के लिए, तो उसी के बेस पे वो ज्वाइनिंग के लिए आपको कॉल करेंगे। ये बात यहाँ पे ये मेंशन के बताना चाहते हैं। और देखिए इसके यहाँ क्या लिखा गया है, अग्रिम जानकारी हुए तो निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बात जाननी है, तो आप श्री राम बहादुर सिंह मुख्य लोको निरीक्षक मुख्यालय जो आपका है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए मंडल कार्मिक अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे आगरा का नोटिस है। चलिए आपके सामने ओपन करते हैं दूसरी वाली नोटिस। तो फ्रेंड्स, ये आपका देखिए उत्तर मध्य रेलवे का नोटिस नंबर 2 है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए नोटिस का संख्या लिखा हुआ है, दिनांक ये 29/5/2020 यानी आज ही का नोटिस है ये, और कार्यालय आप देख सकते हैं मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे आगरा। विषय क्या है? RRB प्रयागराज द्वारा आगरा मंडल हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर चयनित हुए हैं आगरा डिवीज़न में, उनके संबंध में ये आपका नोटिस जारी किया गया है। देखिए यहाँ भी क्या मेंशन किया गया है कि जिन्हें आगरा मंडल आवंटित किया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्रोग्राम प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। जब आपके प्रशिक्षण केंद्रों से यानी फिर दोस्तों आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से उनको शेड्यूल मिल जाएगा, उसी के बेस पर वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस को कम्प्लीट करेंगे या फिर आगे प्रोसेस करेंगे। और देखिए यहाँ पे अग्रिम जानकारी है तो संबंधित कैटेगरी के सामने अंकित मुख्य कार्यालय अधीक्षक के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। और दोस्तों अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो सभी कैटेगरी संख्या के लिए अलग अलग देखिए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ है, कैटेगरी संख्या लिखी है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, 44, 53, 19, 25। उसके आगे देखिए आपका ये CEN नंबर मेंशन कर रखा है, और फिर यहाँ पे आपका पद का नाम लिखा हुआ है, और पद के आगे देखिए आपका विभाग यानी कौन से विभाग से आपका चयन हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, कौन से मोबाइल नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करना है। तो देखिए आपको पूरा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, 19 कैटेगरी आपकी लिखी हुई है और सबके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन कर रखा है जिस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो ये दोस्तों आपका सेकेंड अपडेट था उत्तर मध्य रेलवे आगरा की तरफ से, ये आपका ऑफिशियल अपडेट है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास, और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन सभी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप
आए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।